सबसे बड़ा धमाका जो सैमसंग ने कार दिखाया विच इज हेयर द एवी एंड हेयर इट इज द सैमसंग गैलेक्सी ऑल न्यू S23 सीरीज। क्या दोस्तों आप लॉन्च इवेंट देखा है? ड्रॉप अ कमेंट फॉर मी। मैं तो डेफिनेटली पूरा का पूरा देखा हूँ दोस्तों। क्या ही एक्सपीरियंस था, सच में मजा आ गया। तो वही एक्सपीरियंस एंड दो चार बातें आप लोगों के साथ टू बी ऑनेस्ट शेयर करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों लुक वाइज साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बीच में अबव 90% S22 अल्ट्रा जैसे सिमिलर है, लुक वाइज सेम है। जो दोनों का डिजाइन लैंग्वेज है काफी हद तक सेम जैसा है। एंड अगर आप नेकेड आई से नॉर्मली देखे तो हो सकता है आपको फर्क भी ना पता चले, बट दोस्तों जब हाथ में लोगे ना जो डिफरेंशिएशन है वो तो जरूर महसूस होगी। एंड दोस्तों एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा ये स्लाइटली चौड़ा है एंड जो कार वेजेस है इस बार बॉक्सी कार भी हो गया है एंड आपको पकड़ने में और भी ज्यादा ग्रिप मिलेगा। वैसे वर्ड भी थोड़ा सा बढ़ गई है क्योंकि इस बार जो कंपोनेंट्स ब्रांड ने प्रोवाइड किया डाली है इसके अंदर तो और भी काफी ज्यादा मेटालिक चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 200 मेगापिक्सल का आईसोसेल HP2 सेंसर, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत हेवी हो जाता है ये फोन एंड आपको हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा हेवी महसूस होगी। इसके अलावा मेजर कोई भी चेंजेस नहीं किए है हार्डवेयर लेवल पे। दोस्तों सैमसंग ने बड़े अच्छे काम किए हैं प्लैनेट का खास ख्याल रख के। इन्होंने किया कि जो रिसाइकल्ड मटेरियल होते हैं उसका काफी सारा इस्तेमाल किए हुए है थ्रू द S23 सीरीज यानी कि S23 लाइनअप के अंदर। सारे के सारे जो ये तीनों फोन लॉन्च हो चुका है इसके अंदर जो रिसाइकल मटेरियल है उसी से ही इसको बनाकर लॉन्च किया गया है। जैसे कि S23 और S23 प्लस जो रिसाइकल ग्लास मटेरियल है वहाँ पर रिसाइकल ग्लास मटेरियल का काफी ज्यादा यूज किया हुआ है। और वही पे जो S23 अल्ट्रा है अल्ट्रा पे जो आप एल्युमिनियम देख रहे हैं जिसको सैमसंग आर्मोंड एल्युमिनियम कहते हैं वहाँ पर रिसाइकल एल्युमिनियम का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों अगर ग्लास की बात कर रहे हो तो एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो इस बार गोरिल्ला ग्लास Victus 2 है Victus 2 का प्रोटेक्शन मिल जाते हैं सारे के सारे सीरीज के अंदर। पहले से ज्यादा यानी कि S22 लाइनअप में Victus प्लस का प्रोडक्शन दिया गया था। सो इस बार आपको मोर रिलायबल एड्रेस फ्रॉम नाउ। दोस्तों जब इस फोन का करीब से आप देखोगे तब आपको जो सेंसर है सेंसर का जो मॉड्यूल है काफी हद तक आपको अलग लगने लगेंगे और बल्कि नजर आएगी एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा, क्योंकि इस बार सेंसर का साइज भी थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू S22 अल्ट्रा। S22 अल्ट्रा में 108 मेगापिक्सल का सेंसर था तो उससे काफी बड़ा है S23 अल्ट्रा में, क्योंकि यहाँ पर आपको 200 मेगापिक्सल का आईसोसेल HP2 सेंसर मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल से भी देखने में सेम जैसा फील होता है एज इट इज सेम। जो डिस्प्ले साइज है इस बार भी आपको 6.8 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO डायनामिक 2X AMOLED मिल जाते हैं एज इट इज सेम है जैसे कि S22 अल्ट्रा में दिया गया था। अगर बात की जाए पीक ब्राइटनेस की तो वो भी 1750 निट रखा गया है। सैमसंग का ऐसा मानना है अगर वो 2000 निट का पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता तो जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वहाँ पर थोड़े बहुत आपको जो प्रॉब्लमेटिक चीजें वो देखने को मिल सकता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है उसको सेम ही बरकरार रखे। जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है पंच होल चिन सब कुछ सेम है। जो कार्व था कार्व पहले से ज्यादा यहाँ पर कम हो गया है तो इसके वजह से एक भी फायदा होने वाला है जो बेनिफिट जो एक्सीडेंटल टचेस होता है एंड जो जो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है उसको जब भी आप बढ़ाने जाओगे तो कार्ब जो है कार्ब को आपको कम करना ही पड़ेगा नहीं तो वो गिरने में फोन टूट जाएगा। एंड सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो तो नेक्स्ट लेवल है एंड आप भी वो चीज जानते हो। फ्रंट में भी गोरिल्ला ग्लास Victus 2 का प्रोटेक्शन मिल जाते हैं तो वही चीज जो मैंने आपको बताया वही थ्योरी की वजह से यहाँ पर जो कार्ब लाइन है उसको काफी हद तक कम कर गया है विच इज वेरी गुड थिंग। दोस्तों इस बार विजन बूस्टर करके एक नया फीचर्स को ऐड किया गया है जो कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ब्राइटनेस कलर खुद से एडजस्ट करके आपको कॉन्टेंट
एंड कंज्यूमर के टाइम पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि आईफोन में ट्रू टोन डिस्प्ले कहा जाता है। एंड पहले जो S22 लाइनअप था वहाँ पर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलता था। सो चलो वन सेकंड, थैंक यू सैमसंग। दोस्तों जो मेन हथियार सैमसंग ने इस बार S23 सीरीज में डाले हुए है, जो की है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और वो भी कस्टम प्रोसेसर, जो की काफी बढ़िया अपडेट किया है सैमसंग ने खुद से। यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर था उसको पिक करके ट्यून करके सैमसंग यहाँ पर प्रोवाइड किया है। एंड बहुत हद तक तगड़ी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है, चाहे सीपीयू हो या फिर जीपीयू हो, दोनों ही प्रोसेसिंग में काफी फास्ट हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वर्सन। सीपीयू का जो स्पीड है पहले से ज्यादा 34% ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड जो जीपीयू है जीपीयू में 41% मोर पावरफुल हो गया है। सो दोस्तों जब आप गेम यहाँ पर खेलने वाले हो तो जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, चाहे गेमिंग हो या पर वीडियो रेंडरिंग हो, और नेक्स्ट लेवल आउटपुट आपको मिलने वाला है। इसके अलावा LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड किया गया है, जो रेंडरिंग स्पीड हो गया वीडियो रेंडरिंग के टाइम पे या पर हेवी गेम इंटेंसिव गेम रन करने के टाइम पे जो ग्राफिक्स का रेंडरिंग होता है काफी ज्यादा सिमलेस एंड विदाउट एनी गेम के अंदर जो लैग होता है जिटर होता है वो चीज आपको काफी हद तक काम यहाँ पर दिखाई देने वाला है। दोस्तों बैटरी के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा लाइनअप है S23 Ultra के अंदर वही सेम एज इट इज 5000 mAh का बैटरी प्रोवाइड की गई है। एंड S22 Ultra के अंदर भी 5000 mAh का बैटरी कैपेसिटी के साथ आता था। चार्जिंग कैपेसिटी में भी कोई यहाँ पर अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगी, वही 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ इस बार आपको देखने को मिल जाएगी। और 15W का जो वायरलेस रिवर्स चार्जिंग होता है उसके साथ जो वायरलेस पावर शेयरिंग 4.5W कैपेसिटी के साथ, तो ये सारे एज इट इज सेम है, यहाँ पर कोई भी छेड़खानी ब्रांड ने नहीं की है। नाउ जो मेन अपग्रेडेशन किया है ब्रांड ने वो बेसिकली इसका कैमरा। तो यहाँ पर कैमरा में बहुत सारे अपग्रेडेशन किए है, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पे हो क्यों ना फिर सॉफ्टवेयर लेवल पे भी। जब मैंने इवेंट के अंदर देखा जो लो लाइट वीडियोग्राफी ऐसा कुछ फेयर करके एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने शोकेस किए थे, जो कि सच में नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। जो चीज हम एक एंड्रॉइड फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो चीज सैमसंग ने इस बार करके दिखाया है। तो वंस अगेन बिग थम्स अप फॉर सैमसंग। जो इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर है यानी कि 200 MP का ISOCELL HP2, उसके वजह से जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन है वो पहले से ज्यादा 2 times फास्टर हो गया है एंड पहले से ज्यादा मोर स्टेबल। एंड दोस्तों एडेप्टिव VDIS मोड करके उन्होंने एक न्यू फीचर्स को ऐड किया है कैमरा सेक्शन में। दैट मीन्स लो लाइट में भी जब आप कोई वीडियो शूट करने जाओगे तो जो आउटपुट मिलने वाला है वो तो नेक्स्ट लेवल होगी, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा नाइट फोटोग्राफी वीडियो मोड को भी यहाँ पर पैक किया गया है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम होता है उसके जरिए रात के अंधेरों में जो शूट किया वीडियो को इनहेंस करके बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल आउटपुट आपको देने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो हार्श लाइटिंग कंडीशन होता है या फिर जो डीप डार्क कंडीशन होते हैं वहाँ पर स्मार्टफोन से जब भी आप वीडियो शूट करने जाओगे बहुत ज्यादा वो मुश्किल दौर होता है, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा ग्रेन्स और लैक ऑफ स्टेबिलिटी नजर आते हैं। बट इस बार सैमसंग ने सारे प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। तो S23 Ultra इस बार वो बैरियर को आप तोड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आईफोन के साथ आप कंपेयर करते हो तो कोई भी एंड्रॉइड फोन को, चाहे वो सैमसंग या फिर गूगल पिक्सेल हो, कोई भी एक फोन, क्योंकि ये वीडियो सैमसंग के ऊपर ही बेस्ड है तो सैमसंग का ही मैं एग्जांपल के तौर पे लेने वाला हूँ सैमसंग को। तो नाइट में वो काफी अच्छा फोटो कैप्चर करता था, काफी हद तक क्लोज टू आईफोन जैसा फोटो आपको प्रोवाइड करता था। बट जब भी बारी आता था वीडियोग्राफी की तो वीडियोग्राफी में सैमसंग थोड़ा सा पीछे हट जाता था एज कम्पेयर टू आईफोन। तो लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आईफोन को अब सेंसर कड़वा जवाब देने वाला है, तो काफी ज्यादा टक्कर होने वाला है टू हेड, अब तो मजा आ जाएगा। दोस्तों हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है सैमसंग, जैसे कि इस बार आपको 1.7 अपर्चर मिल जाता है एंड 8K 30fps में आप वीडियो को शूट कर सकते हो, जो कि पहले 8K 24fps था। तो ये सिर्फ S22 सीरीज में नहीं, उससे पहले भी जितने भी सारे सैमसंग का फ्लैगशिप सीरीज आता था यानी कि Note 20 Ultra, Note 20, ये सारे सीरीज के अंदर भी 8K 24fps में वीडियो शूट करने कैपेबल उनके अंदर होता था, उन सारे डिवाइसेस के अंदर। सो इट विल गिव यू मोर बेटर डायनेमिक रेंज एंड कलर एक्यूरेसी विद इनहांस शार्पनेस फॉर एनी टाइप ऑफ फोटोज एंड वीडियोस। इसके अलावा बाकियों के जो कैमरा सेंसर है यानी कि 10 MP जो टेलीफोटो जूम सेंसर है विद पेरिस्कोप 100x जूम 12 MP का अल्ट्राइड वो सब कुछ एज इट इज सेम, देयर इज नो चेंजेस। सो इस बार जो लेजर ऑटो फोकस है उसको भी एड किया गया है, तो दोस्तों सेल्फी में भी थोड़ा चेंजेस किए गए है। तो पहले जो S22 Ultra सीरीज था वहाँ पर 40 MP का सेल्फी कैमरा मिलता था, वो 4K 60fps में रिकॉर्ड भी करता था वीडियो पर। तो इस बार सैमसंग ने किया 12 MP का सेल्फी सेंसर को ऐड किया है S23 Ultra के अंदर। दोस्तों 12 MP है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो फोटोज और वीडियोस का क्वालिटी डिग्रेड होने वाला है, क्योंकि मेगापिक्सल डज नॉट मैटर एंड सैमसंग मेगापिक्सल के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से खेल लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। एंड सेल्फी में भी काफी ज्यादा आपको इनहांस फोटो इस बार मिलने वाला है, क्योंकि सेल्फी के अंदर नाइट फोटोग्राफी करके ऑप्शंस को इस बार ऐड किया गया है, जो नाइट में आपको फोटो आउटपुट देने वाला है काफी बढ़िया तगड़ी है पर आपको फोटो में जो विजिबिलिटी नजर आएगा। एंड AI स्टूडियो डेप्थ मैप ये फीचर्स को भी ऐड किए गए बेसिकली नाइट में,
जब हम कोई भी फोटो वीडियो शूट करते हैं तो क्या होता है, जो बोके एंगल होते हैं यानी कि जिसको कहा जाता है आउट ऑफ फोकस, तो वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो उतना बढ़िया तरीके से वो सब्जेक्ट को आउट ऑफ फोकस नहीं कर पाते। लेकिन इस बार इसे हार्डवेयर लेवल पे अपग्रेडेशन के दौरान क्या होगा, जब आप कोई भी बोके टाइप का फोटो को यानी कि बोके एंगल से कोई फोटोज को आप कैप्चर करने जाओगे या फिर वीडियो को लेना जाओगे, तो काफी ज्यादा यहाँ पर सही तरीके से वर्क करेगा एंड आउट ऑफ फोकस का जो मामला है वो भी काफी हद तक आपको यहाँ पर सही साबित होकर आउटपुट में ये शो करने वाला है। इसके अलावा एक्सपोर्ट रॉ मोड वो भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स को भी ऐड किए गए। बेसिकली ये कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है, पहले भी बहुत पावरफुल था S22 सीरीज एंड अभी भी और नेक्स्ट लेवल यानी कि कमाल करने वाले है इसी न्यू ऑल S23 सीरीज। दोस्तों जो चीज पहले यानी कि जो प्रैक्टिकली सारे फीचर्स को S22 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलता था, वो सारे चीज को इस बार बरकरार रखा गया यानी कि उस चीज को नहीं हटाया गया, और जो न्यू जेनरेशन फीचर्स है जो कि एक्चुअल में नीड है, जरूरत है, वही सारे फीचर्स को इस बार ऐड किया गया है। तो फालतू के कोई भी चीज यहाँ पर ब्रांड ने ऐड नहीं किया है, ये काफी ज्यादा एक अच्छी बात है। अगर वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो चाइनीज फोन जैसा बन जाता है, ये दो कौड़े का फोन जैसा। दोस्तों ग्लोबली इस फोन का जो प्राइस रखा गया है US करेंसी में 1199 USD एंड इंडियन करेंसी के अंदर 1,27,000 के आसपास अल्ट्रा सीरीज का जो 12GB वेरिएंट होने वाला है 256, तो उसका कुछ इस तरीके का प्राइस रह सकता है। एंड जो प्लस वाला वेरिएंट यानी कि S23 प्लस वो 90,000 से लेकर 98,000 होने वाला है एंड जो बेस वेरिएंट यानी कि सबसे छोटा वाला भाई वो 79,000 ऐसे कुछ प्राइस होंगे एंड वो भी हो सकता है 12GB वेरिएंट या फिर 8GB, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या ख्याल है इसी न्यू S23 सीरीज के बारे में, प्लीज शेयर योर पर्सनल ओपिनियन बिलो द कमेंट सेक्शन। दिस इज एनफ फॉर टुडे, गुड बाय दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।